19 अक्टूबर को एक हफ्ता पहले करीब आज से ताजपुर थाना क्षेत्र में NH 28 पर ही देसी डेरा रेस्टोरेंट के पास फॉर्च्यून का एक होलसेल का दुकान था, एक व्यापारी का। रात में करीब 8:30 से 8:45 के आसपास मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधी आए थे और तीनों अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो फॉर्च्यून का होलसेल दुकान के व्यवसायी हैं उनके साथ मारपीट की गई। पहले उनसे पैसा मांगा गया कि उनका जो दुकान पर जो गल्ला उपलब्ध था और जो गल्ले की सेल करके जो पैसा आया था उस पैसे की डिमांड की गई। जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो इन अपराधियों के द्वारा पिस्टल के बट से उनके सिर पर वार किया गया और उनको सिर पर मार करके जख्मी कर दिया था, जिससे उनको चोट आ गई थी। हालांकि अपराधी लूटपाट करने में सफल नहीं हो पाए थे, आसपास के लोग भी आ गए थे और फिर ये इनके द्वारा जब विरोध किया गया तो दोनों अपराधियों को भागना पड़ा। तो एक मोटरसाइकिल से 3 अपराधी करीब थे और दो अपराधियों ने इनके साथ मारपीट की थी। इस घटना को, व्यवसायियों के साथ होने वाली सभी घटनाओं को हम लोग बहुत संवेदनशीलता से लेते हैं। इस घटना के उद्भेदन के लिए SDPO सदर के नेतृत्व में SHO ताजपुर, SHO मुसरी घरारी और SHO कर्पूरी ग्राम और SHO बंगरा 4 थाना की टीम लगाई गई थी कि ताजपुर मार्केट के पास ही NH 28 पर रात के समय घटना होना एक बड़ी घटना थी जिसकी छानबीन और जिसका उद्भेदन काफ़ी आवश्यक था। तो इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हुआ है कि इसमें 3 अपराधी हैं, जिनमें से 2 पातेपुर के रहने वाला है, 2 पातेपुर के रहने वाले हैं और एक बलीगांव थाना वैशाली जिला के रहने वाले। तो ये तीनों अपराधी वैशाली के रहने वाले थे। इनका एक अपराधी में से उसका रिश्तेदारी जो है वो ताजपुर थाना क्षेत्र में ही थी, इसलिए वो ताजपुर थाना क्षेत्र में आता रहता था। और ताजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला रविशंकर कुमार उर्फ राजा, जो कि इस दुकान के बगल में ही उसकी भी प्रतिष्ठान है, रविशंकर कुमार उर्फ राजा, वो निकसपुर का रहने वाला है। इसके पास जो वैशाली के अपराधी थे, इनका आना जाना था और इन लड़कों का आना जाना था, उसी के माध्यम से इन लोगों ने इस दुकान को आइडेंटिफाई किया था और इनको आइडिया था कि इस दुकान पर करीब कुछ 30-40 हज़ार के आसपास रुपए इस रात में होते हैं और जिसकी लूटपाट ये लोग करेंगे। तो इन तीनों अपराधियों ने योजना, तीनों लड़कों ने योजना बनाई थी रविशंकर कुमार के साथ मिल करके, और ये लोग रात में 8:45 पर इस घटना को अंजाम दिया था। ये लोग चले थे शाम में पातेपुर से, एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए थे और एक अपराधी बस से आया था। ये तीनों लोग आकर के LKBD कॉलेज के ग्राउंड में आपस में मिले थे, वहाँ इन्होंने मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद इन लोग मोटरसाइकिल से वहाँ से चले और फिर घटनास्थल पर आए थे। इस घटना में लाइनिंग की थी रविशंकर कुमार उर्फ राजा ने। तो इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि वैशाली के रहने वाले हैं, और एक चौथा लड़का है इस घटना में, वो भी वैशाली का रहने वाला है बलीगांव का, और पांचवा ताजपुर का रहने वाला है रविशंकर कुमार उर्फ राजा। इन लोगों के पास से चोरी का जो मोटरसाइकिल था, होंडा साइन मोटरसाइकिल, वो बरामद हुआ है। 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस घटना में जो इन लोगों ने देसी कट्टा उपयोग किया था, जिससे इनके सिर पर वार किया था, वो देसी कट्टा बरामद किया गया है। 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और काले रंग का जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जिससे ये लोग आए थे, क्योंकि इनकी दुकान में CCTV लगा हुआ था और उस CCTV से भी घटनाक्रम बहुत हद तक स्पष्ट हो रहा था, मारपीट होते हुए दिख रही थी। तो इन लोगों का जो मोटर ऑपरेंडी था, वो चोरी की मोटरसाइकिल ये लोग पहले उपलब्ध कराते थे और उसका नंबर प्लेट चेंज करते थे। नंबर प्लेट चेंज करने के बाद ये फिर रेकी करते थे और लाइनर जो है, इनको लोकल लाइनर कोई मिल जाता था, उस लोकल लाइनर की मदद से व्यापारी को टारगेट करते थे और फिर अपराध करने की प्लानिंग करते थे। हालांकि इस घटना में ये लोग अपराध कर नहीं पाए थे, अपराध की इनकी प्लानिंग थी वो असफल हो गई थी, लेकिन इन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट की थी। घटना होने के बाद FIR दर्ज की गई थी। SDPO सदर के नेतृत्व में SIT बनाई गई थी। SIT ने सभी लड़कों को जो इस घटना में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।